नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं एम्स नॉर्सेट ईएसआईसी जीएमसीएच पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिकी कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद्यार्थी। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। हर एक क्वेश्चन को रैशनल के साथ में सॉल्व करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े, चार ऑप्शन को समझे और फिर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। एम्स नॉर्सेट के पेपर में ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। The question is asking a 24 years old female client is scheduled for surgery in the morning. Which of the following is the primary responsibility of the nurse? Question बहुत simple है। 24 साल का 24 years की old एक female जो है उसको schedule किया गया है surgery के लिए morning के अंदर। कौन सा primary responsibility है nurse का surgery से के समय? First है taking the vital sign, सेकेंड है ऑब्टेनिंग द परमिट दैट इज कंसेंट, थर्ड है एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर एंड लास्ट है चेकिंग द लैब वर्क। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन सा इंपॉर्टेंट रोल है जो सर्जरी से पहले एज ए नर्स आपको प्ले करना है? फटाफट से जवाब लिखिएगा। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, वाइटल्स चेक करेंगे, कंसेंट लेंगे, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे या लैब वर्क को चेक करेंगे। तो देखिएगा, जब भी किसी भी पेशेंट का सर्जरी होना है, सर्जरी के लिए हम पेशेंट को तैयार करते हैं, तो सर्जरी से पहले लैब वर्क को चेक करना, प्रोसीजर पेशेंट को एक्सप्लेन करना और पेशेंट की परमिशन लेना दैट इज कंसेंट, ये तीनों के तीनों वर्क जो होते हैं वो सर्जन के रहते हैं। किसके रहते हैं? सर्जन के रहते हैं। हाँ, इनको रीचेक करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नर्स हमारी भी होती है, लेकिन ये जो मैन ये तीनों जो काम है ये मैनली किसके होते हैं? सर्जन के लिए होते हैं। हमारा मेन इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे रहता है कि मरीज के वाइटल्स जो है वो लेने होते हैं। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है। टेकिंग द वाइटल साइन इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर गोइंग सर्जरी टू द पेशेंट हु इज शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी। तो ए इज द करेक्ट वन, बी सी एंड डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज आस्किंग द नर्स इज वर्किंग इन द इमरजेंसी रूम व्हेन ए क्लाइंट अराइव्स विद सीवियर बर्न ऑफ द लेफ्ट आर्म हैंड एंड फेस एंड नेक, विच एक्शन शुड रिसीव प्रायोरिटी। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि आप इमरजेंसी रूम के अंदर काम कर रहे थे, है ना, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आप वर्क कर रहे हो और एक क्लाइंट आया है जिसको सीवियर बर्न हुआ है और जो बर्न का साइट है, जो एरिया है, वो है लेफ्ट आर्म, हैंड, फेस एंड नेक। ये चार जगह है जहां का बर्न हुआ है, लेफ्ट आर्म, हैंड, फेस एंड नेक, इनका बर्न हुआ है। इमरजेंसी में मरीज पहुंचा है बर्न लेके। विच एक्शन शुड रिसीव प्रायोरिटी, सबसे प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा आपका एज ए नर्स? स्टार्ट करोगे इंट्रावीनस, अप्लाई करोगे ऑक्सीजन, ऑब्टेन करोगे ब्लड गैसेज या मेडिकेट करोगे क्लाइंट को पेन के लिए। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। सीवियर बर्न का मरीज है और बर्न का जो एरिया है वो है लेफ्ट आर्म, हैंड, फेस एंड नेक। जब भी देखिएगा, फेस और नेक का बर्न होता है, फेस एंड नेक का बर्न होता है, जब भी इस एरिया का बर्न होता है ये सीवियर कैटेगरी का बर्न कहलाता है हमेशा। और फेस और नेक के एरिया के बर्न वाले मरीज को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। जब भी किसी मरीज में फेस और नेक के एरिया में बर्न होता है तो यहाँ पे बर्न के बाद में एडिमा होता है, तो नेक के एरिया का, फेशियल एरिया का अगर एडिमा मरीज को रहेगा तो उसको सांस में दिक्कत रहती है और जब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहेगी तो मरीज में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, सेचुरेशन फॉल होने लग जाएगा। तो अगर यहाँ पे मरीज का जो बर्न का साइट है वो फेस, नेक, लेफ्ट आर्म एंड हैंड है तो डेफिनेटली मरीज में ऑक्सीजन का डेफिशिएंट होगा और जब भी ऑक्सीजन की कमी किसी में हम सस्पेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन अप्लाई करना होता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, है ना। सबसे पहला रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट होता है सीवियर बर्न में, स्पेशली फेस और नेक के एरिया में बर्न हो तो। दूसरा इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा
आई इंट्रावीनस मतलब फ्लूइड का है ना, दूसरा इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबल बनता है फ्लूइड का, पहला रेस्पॉन्सिबल बनता है एयरवे का, और एयरवे के लिए हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहे हैं मरीज को, और ब्लड गैसे जो है ये ऑब्टेन करना बाद की बात होती है, प्रायोरिटी एक्शन नहीं है, सबसे पहले मरीज को ऑक्सीजन लगा दो, क्योंकि जो जगह है जो साइट है बर्न का वहाँ डेफिनेटली ऑक्सीजन का प्रॉब्लम रहेगा, जहाँ भी आग होती है वहाँ धुआं होता है, और जो धुआं फ्यूम्स जो होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ना CO, और कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होती है हीमोग्लोबिन के साथ में, क्योंकि इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है हीमोग्लोबिन के साथ में 200 टाइम्स ज़्यादा होती है, 200 गुना ज़्यादा होती है, तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड हो जाएगी तो मरीज को सांस में दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए हम वहाँ पे ऑक्सीजन लगाते हैं ताकि ज़्यादातर हीमोग्लोबिन के साथ में कौन अटैच रहे, ऑक्सीजन अटैच रहे, और मेडिकेट द क्लाइंट फॉर पेन, ये आंसर यहाँ पे नहीं बनेगा, तो करेक्ट आंसर इज बी कि सबसे पहला और प्रायोरिटी एक्शन है, अगर आपको पता है कि फेशियल एरिया का बर्न हुआ है, नेक का बर्न हुआ है, तो ऑक्सीजन का कमी रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा बॉडी में, ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट कर हो जाएगा, मोनोऑक्साइड जो है वो बाइंड हो जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ में, तो हमें तुरंत प्रभाव से ऑक्सीजन अप्लाई करना होता है, तो करेक्ट आंसर बी है ACOD, तीनों ही खोटे जवाब है, ACOD तीनों ही खोटे जवाब है, बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा ए 6 month ओल्ड क्लाइंट इज एडमिटेड विद पॉसिबल इनटू ससेप्शन, कौन सी प्रॉब्लम हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, इनटू ससेप्शन, ये बीमारी सस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन है ड्यूरिंग द नर्सिंग हिस्ट्री के दौरान क्या क्वेश्चन है, जो लीस्ट हेल्पफुल बनेंगे, लीस्ट हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस डायग्नोसिस, ये जो डायग्नोसिस है जिसका नाम है इनटू ससेप्शन, जब आप हेल्थ हिस्ट्री ले रहे हो मरीज का, तो कौन सा इंफॉर्मेशन जो है इस बीमारी के प्रति मरीज का, आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं बनेगा, जब आप हिस्ट्री ले रहे हो तो कौन सा चीज़ आप जानना चाहते हो जो ज़्यादा मदद नहीं करेगा, मतलब वो क्वेश्चन नहीं पूछते तो भी चलता है ऐसा, तो इनटू ससेप्शन जो बीमारी होती है इसमें टेलीस्कोपिंग हो जाती है इंटेस्टाइन की, है ना, टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, और टेलीस्कोपिंग का मतलब होता है एक हाथ का दूसरी हाथ के अंदर घुस जाना, दैट इज नोन एज टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, और इसमें क्या होता है जो प्रोक्सिमल इंटेस्टाइन होता है वो डिस्टल के अंदर टेलीस्कोप हो जाता है ना, इनटू ससेप्शन क्या होता है जो प्रोक्सिमल इंटेस्टाइन होता है, प्रोक्सिमल एंड इंटेस्टाइन का जो प्रोक्सिमल एंड है वो टेलीस्कोप हो जाता है डिस्टल एंड के अंदर, डिस्टल एंड के अंदर प्रोक्सिमल एंड जो होता है वो टेलीस्कोप हो जाता है किसके अंदर, प्रोक्सिमल एंड टेलीस्कोप हो जाता है डिस्टल एंड के अंदर, इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, जब इंटेस्टाइन का टेलीस्कोपिंग हो जाता है तो मरीज जो है उसमें सीवियर पेन होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है टेल मी अबाउट योर हिज पेन, तो ये तो बिल्कुल पूछने जैसा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दर्द होता है, सीवियर पेन होता है, क्योंकि एक इंटेस्टाइन दूसरे इंटेस्टाइन के अंदर टेलीस्कोप हो जाता है, तो इंटेस्टाइनल स्पाज्मोटिक पेन होता है प्रोक्सिमल पैटर्न के अंदर, तो पेन तो यहाँ पे रहेगा, दूसरा है व्हाट डज हिज वॉमिट लुक लाइक, तो पेन होता है एक तरह का इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो मरीज को वॉमिटिंग होता है, क्या होता है वॉमिटिंग, और ये वॉमिट जो होता है ये बाइल स्टेन होता है, कैसा होता है बाइल स्टैंड, मतलब इस वोमिटस के अंदर बाइल जो है वो मिक्स रहता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि वोमिटिंग होता है और वो किस तरीके का है ये डायग्नोसिस में मदद करेगा, तो बाइल स्टैंड वोमिटिंग रहेगा, तो ए और बी ये तो दोनों जवाब जो है वो नहीं बनेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछने जैसे है और ये ज़्यादा मदद करेंगे, लीस्ट हेल्पफुल नहीं है ये, तो मोर हेल्पफुल है, दो ऑप्शन लास्ट लिखे हुए हैं, डिस्क्राइब हिज यूजुअल डाइट और हैव यू नोटिस चेंज इन हिज एब्डोमेन साइज, तो अगर इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वहाँ पे डेफिनेटली एक इंटेस्टाइन दूसरे के अंदर घुसेगा, तो वहाँ पे एक मास लाइक फीलिंग आती है जिसको सोसेज शेप मास्क कहते हैं, क्या कहते हैं सोसेज शेप मास्क, तो ये इसके अंदर देखने को मिलता है सोसेज शेप मास्क, तो यहाँ पे एब्डोमन के अंदर साइज के अंदर चेंजेस भी नोटिस होंगे, ये क्वेश्चन भी अप्रोप्रिएट है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में पूछे हुए तीनों क्वेश्चन मरीज की बीमारी को जानने में मदद करेंगे, लेकिन ऑप्शन सी जो लिखा हुआ है डेस्क्राइब इज यूजुअल डाइट, ये कोई भी मदद नहीं करेगा आपकी मरीज के डायग्नोसिस करने के अंदर, आप पेशेंट का डायग्नोसिस करने जा रहे हो तो ये क्वेश्चन आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा, तो यहाँ पे आंसर सी बनेगा, ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ये नहीं बन सकते आंसर, बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा एक और इम्पोर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ए नर्स वुड एक्सपेक्ट ए न्यूली डायग्नोस्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस,
मरीज जो है उसको बीमारी है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो एग्जिबिट विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का क्वेश्चन है। क्या क्लिनिकल साइन देखने को मिलेंगे, मरीज कौन कौन से क्लिनिकल साइन एग्जिबिट करेगा? पहला है डिक्रीज एपेटाइट एंड कॉन्स्टिपेशन। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस वाले मरीज में एपेटाइट डिक्रीज नहीं होके क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। मरीज में पॉलीफेजिया देखने को मिलता है, डायबिटीज मेलाइटस वाले मरीज में क्या देखने को मिलता है, पॉलीफेजिया, है ना। तो एपेटाइट जो है वो बढ़ जाती है, भूख ज्यादा लगती है, खाना ज्यादा खाता है, इसलिए ये आंसर तो खोटा बन गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है वेट गेन एंड हेडेक। डायबिटीज मेलाइटस वाले मरीज में पॉलीफेजिया भले ही हो लेकिन वेट का गेन बिल्कुल नहीं होता है, उसमें उल्टा वेट का लॉस होता है। क्या देखने को मिलता है, वेट लॉस देखने को मिलता है, वेट गेन नहीं होता है, क्या होता है, वेट लॉस होता है। तीसरा है नोजिया एंड हैंड ट्रेमर्स। डायबिटीज मेलाइटस वाले मरीज में जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है, क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया में नोजिया और हैंड ट्रेमर्स जो है वो नहीं होते। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस वाले बच्चे के क्लिनिकल साइन नहीं है। एग्जैक्टली क्या होता है क्लिनिकल साइन, पॉलीफेजिया के अलावा पॉलीडिप्सिया होता है। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है मरीज पानी ज्यादा पीता है, उसको प्यास ज्यादा लगती है, और पॉलीयूरिया होता है, ज्यादा पानी पीता है, यूरिन भी ज्यादा करता है। तो पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया थ्री पीज साइन इनको कहते हैं जो देखने को मिलता है डायबिटीज मेलाइटस वाले मरीज में। लास्ट ऑप्शन में यही कह रहा है इंक्रीज यूरिनेशन एंड थर्स्ट, इसको बोलते हैं पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया। तो थर्स्ट भी बढ़ जाती है और यूरिन भी मरीज ज्यादा करता है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि मरीज को पॉलीडिप्सिया भी होगा और पॉली यूरिया भी देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा एक और कतई जहर क्वेश्चन लेके आया हूं, आराम से पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद लैरिंजियल कैंसर। मरीज को बीमारी कौन सी है, लैरिंग्स का कैंसर है, लैरिंजियल कैंसर है मरीज को। विच फाइंडिंग एसर्टेन इन द हेल्थ हिस्ट्री वुड नॉट बी कॉमन फॉर दिस डायग्नोसिस। ये जो डायग्नोसिस है लैरिंजियल कैंसर, उस लैरिंजियल कैंसर के लिए कौन सी फाइंडिंग, कौन सी हेल्थ हिस्ट्री जो है वो असर्टेन नहीं है, सही नहीं है, उसको लेने की जरूरत नहीं है, वो उससे संबंधित नहीं है। फर्स्ट है फाउल ब्रेथ, सेकेंड है डिस्पेजिया, थर्ड है डायरिया, फोर्थ है क्रॉनिक हिकअप्स। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। मरीज को लेरिंजियल कैंसर है, जब मरीज को लेरिंजियल कैंसर हो जाता है तो उसमें कौन सी हेल्थ हिस्ट्री काम की नहीं है, मतलब तीन बातें काम की है, एक नहीं है। लेरिंजियल कैंसर वाले मरीज के अंदर फाउल ब्रेथ देखने को मिलती है, ये बात तो काम की है, उसकी ब्रेथ फाउल हो जाती है ड्यू टू द कैंसर इन द लैरिंग्स। उस मरीज के अंदर खाना खाते समय डिफिकल्टी होती है स्वेलोइंग के अंदर, डिस्पेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग के अंदर डिफिकल्टी होगी, क्योंकि जहाँ सांस लेने की जगह नहीं है वहाँ से खाना जाना भी मुश्किल है। लैरिंग्स में ट्यूमर है, लैरिंग्स का कैंसर है, इसोफेगस भी कंप्रेस होगा, तो मरीज जब खाना निकलता है तो उसको पेन वहाँ पे देखने को मिलता है, डिफिकल्टी होती है स्वेलो करने के अंदर, और उसमें ड्यू टू द स्पाज्म ऑफ रेस्पिरेटरी मसल लैरिंजियल कैंसर वाले मरीज में हिकअप्स भी देखने को मिलते हैं। तो डी ऑप्शन भी यहाँ पे साइन के अंदर आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों ही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, डायग्नोसिस में मदद करेंगे लैरिंजियल कैंसर के। सवाल ने पूछा है कौन सा मदद नहीं करेगा, तो करेक्ट आंसर है सी डायरिया, जिसका संबंध लैरिंजियल कैंसर से नहीं होता है। जीआई सिस्टम की बीमारी है और इसका संबंध लैरिंजियल कैंसर से नहीं है। डायरिया इंटेस्टाइन के अंदर किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने के पर देखने को मिलने वाला एक साइन है, तो इसका संबंध लैरिंजियल कैंसर से नहीं होता। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा कुछ और ट्रिकी क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। क्या टाइप करना है? नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस लोगो के साथ में, ये जो लोगो दिख रहा है आपको, इस लोगो के साथ में 5-star रेटिंग का एक ऐप दिखेगा आपको, ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल कर देना है, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे देनी है, और इंपॉर्टेंट रिव्यू आपको वहां पे लिख देना है। इतना करने के बाद में इस ऐप के ऊपर डिफरेंट टाइप के फीचर्स आप लोगों के लिए खुल जाएंगे। ये फीचर्स जो है उसमें पीडीएफ्स है, टेस्ट सीरीज है, वीडियो लेक्चर्स है जो आप वहां पे देख सकते हो। इसके अलावा इन फ्यूचर भी ये सारी चीजें उसी ऐप के ऊपर 1x1 अवेलेबल होगी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सब चीजें बहुत ज्यादा मदद करेगी आप लोगों को,
तो बस इंतजार किस बात का, आज ही अप्रोच करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, जहाँ पे कुछ फ्री कंटेंट है कुछ पेड कंटेंट है। उसी पेड कंटेंट के अंदर हम लेके आए हैं 26 और 27 तारीख को होने वाला MPCHO का टेस्ट और उसके लिए MPCHO टेस्ट सीरीज। उस टेस्ट सीरीज के अंदर हम लेके आए हैं 1000 प्लस सिलेबस के पैटर्न पे क्वेश्चंस, जिनको सॉल्व करके आप सर्टेन नीति फिक्स कर सकते हो कि MPCHO में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं MPCHO में एक अच्छा एग्जाम कंडक्ट करना, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पैटर्न के एग्जाम को कंडक्ट करना, तो आज ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अप्रोच करिए। ओनली 299 रुपीज के अंदर MPCHO की टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है एग्जाम तक। करना क्या है आपको, 299 रुपीज पे करने, एक नंबर है 7272029029, नंबर रिपीट करता हूँ 7272029029, इस पे 299 रुपीज पे करके स्क्रीनशॉट पेमेंट का इसी नंबर के ऊपर सेंड कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, तो आपका टेस्ट जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। अगर आप नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ना चाहते हो तो ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी भी स्टार्ट है, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। आगे लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज नोजिएटेड एंड इन डेंजर ऑफ एस्पिरेशन। आप एक मरीज का केयर कर रहे हो और उस मरीज, वो मरीज जो है वो नोजिएटेड है, मतलब उसको एक तो नोजिया हो रहा है और उसमें डेंजर है एस्पिरेशन का, है ना। जो मरीज आया है जिसके आप केयर कर रहे हो, उस मरीज को एक तो क्या हो रहा है, नोजिया हो रहा है, दूसरा उस मरीज में ऐसी संभावना है, ऐसी रिस्क है कि मरीज एस्पिरेट कर सकता है। विच एक्शन वुड द नर्स टेक फर्स्ट, सबसे पहला एक्शन आपका क्या होगा, अगर मरीज नोजिएटेड है और आपको लग रहा है कि वो एस्पिरेट कर सकता है तो सबसे पहला एक्शन क्या है। फर्स्ट है आप एडमिनिस्टर कर दोगे ऑर्डर्ड एंटी एमेटिक मेडिकेशन, दूसरा आप ऑप्टेन करोगे आइस बैग एंड अप्लाई टू द क्लाइंट थ्रोट, आइस बैग लेके थ्रोट पे लगाओगे, तीसरा है टर्न करोगे मरीज को एक साइड के अंदर, और लास्ट है नोटिफाई कर दोगे फिजिशियन को। तो जब भी देखो कोई भी इंडिविजुअल एस्पिरेशन की रिस्क पे होता है, तो सबसे पहला तरीका बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है, टर्निंग ऑन द साइड टू साइड, एक साइड के अंदर टर्न कर देंगे, जिससे एस्पिरेशन की रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाती है। एक साइड में अपन टर्न कर देते हैं जिससे एस्पिरेशन की रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी, सिक्रेशन जो है वो बाहर ड्रेन होंगे, ना कि वो एस्पिरेट करेगा। अच्छा, एस्पिरेशन की संभावना जब भी हो, साइडलाइन पोजीशन इंपॉर्टेंट है, वो देने के बाद में आप देखें कि इस मरीज की आगे का जरूरत क्या रहेगा, उसके अनुसार आगे की इंटरवेंशन काम में लेते हैं, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है या क्या करना है। लेकिन अभी आपको एस्पिरेशन के रिस्क को रोकने के लिए जो नर्स का फर्स्ट एक्शन जो रहेगा वो रहेगा कि मरीज की जान बचाना, और आपने क्या किया, मरीज को साइड में टर्न कर दिया। नॉर्मली जिस भी मरीज को निगलने में प्रॉब्लम हो, एस्पिरेशन के रिस्क को उसको हाई फाउलर पोजिशन के अंदर रखना होता है, जिससे ग्रेविटी मिलेगी और मरीज में एस्पिरेशन की रिस्क जो है वो मिनिमाइज होती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट और कतई जहर क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द नर्स हु असेस डिसेंस ऑफ ए क्लाइंट सर्जिकल वुंड। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि क्या एक्शन है जो नर्स लेगी, जो असेस करी एक मरीज में और उसमें क्या हो चुका है, डिसेंस हो रखा है। किस चीज के लिए आप असेस कर रहे हो, डिसेंस के लिए असेस कर रहे हो आप, सर्जिकल वुंड का, है ना, सर्जिकल वुंड के डिसेंस के लिए आप असेस कर रहे हो एज ए नर्स। तो कौन सा एक्शन आप वहां पे लेंगे, फर्स्ट है प्लेस द क्लाइंट इन ए प्रोन पोजिशन, सेकंड है अप्लाई ए स्टेराइल सेलाइन मॉइस्चर ड्रेसिंग टू द वुंड, थर्ड है एडमिनिस्टर एट्रोपिन टू डिक्रीज एब्डोमिनल सिक्रीशन, और लास्ट है रेप द एब्डोमन विद एन एस बैंडेज। चार ऑप्शन लिखे मैं, मरीज को क्या हो रखा है, डिसेंस हो रखा है, उसके लिए आप असेस कर रहे हो। दो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है सर्जरी के बाद में वुंड के, एक होता है डिसेंस और दूसरा होता है एविसरेशन। एविसरेशन क्या होते हैं ये दोनों कॉम्प्लिकेशन, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। डिसेंस और एविसरेशन के अंदर जैसे किसी भी मरीज का एब्डोमन का सर्जरी हुआ, सर्जरी के बाद में एब्डोमन के एरिया में सूचर्स लगते हैं, स्टिचेज लगाते हैं, टांके लगाते हैं। अब अगर किसी भी कारण से सूचर लाइन जो है वो इंटैक्ट नहीं रहती है, सूचर लाइन जो है वो अलग हो जाती है और उसके जो सर्जरी के दोनों एज है जहाँ पे कट लगाया था वो एज सेपरेट हो जाते हैं, उसको तो बोलते हैं डिसेंस, है ना, सेपरेशन ऑफ वुंड एज, है ना। अगर वुंड के एज होते हैं, सेपरेशन हो जाता है उनका, सेपरेशन ऑफ वुंड एज, वुंड के जो एज होते हैं, एज का सेपरेशन हो जाता है, तब तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेंस। और अगर वो सेपरेट होके उसके अंदर से जो इंटेस्टाइन है, बोल लूप है, वो बाहर आ जाए, उसको बोलते हैं एविसरेशन। एविसरेशन का मतलब होता है एक्सपल्जन,
expulsion of internal organ through wound. Wound के through internal organ का बाहर की तरफ expulsion हो जाना evisceration कहलाता है. सिर्फ separate हुआ तो dehiscence और बाहर ही आ गया तो evisceration. मरीज को dehiscence हुआ है, चाहे dehiscence हो या evisceration हो, अगर ऐसी problem हो जाती है तो सबसे first action हमेशा रहता है कि जो एरिया है उसको मॉइस्ट स्टराइल गौज से कवर कर दो. ये सबसे पहला बात है. ये दोनों ही सर्जिकल इमरजेंसी है तो तुरंत सर्जन को इन्फॉर्म कर लो. अगला इंपॉर्टेंट एक्शन है तो सबसे पहला एक्शन तो यही रहेगा कि हम अप्लाई करेंगे स्टराइल सलाइन मॉइस्ट ड्रेसिंग वुंड के एरिया में. ये सबसे पहला एक्शन रहता है डिसेंस और एविसरेशन में. बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है. और ऐसा करने के बाद में तुरंत प्रभाव से फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है क्योंकि ये दोनों ही सर्जिकल इमरजेंसी है, चाहे वो डिसेंस हुआ हो चाहे वो एविस्ट्रेशन हुआ. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार. आगे लेके चलता हूं. नेक्स्ट देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट और कतई जहर क्वेश्चन है. 6 hours आफ्टर बर्थ द इन्फेंट इज फाउंड टू हैव एन एरिया ऑफ स्वेलिंग ओवर द राइट पेराइटल एरिया दैट डज नॉट क्रॉस द सूचर लाइन. द नर्स शुड चार्ट दिस फाइंडिंग. क्या बोला जा रहा है कि जो एरिया है मरीज का, जो आपको फाइंडिंग मिला, उसमें स्वेलिंग है राइट पेराइटल एरिया के अंदर. स्वेलिंग कहाँ है? राइट पेराइटल एरिया के अंदर. एट बर्थ राइट पेराइटल एरिया में, 6 घंटे हुए अभी तक, राइट पेराइटल एरिया में स्वेलिंग है जो कि सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती. डज नॉट क्रॉस द सूचर लाइन. तो हमने दो बातें पढ़ी, एक सिपेलो हेमाटोमा और दूसरा कैपर्ट सुसीडेनम. और सिपेलो हेमाटोमा और कैपर्ट सुसीडेनम में मेजर डिफरेंस यही होता है कि सिपेलो हेमाटोमा जन्म के बाद बनता है और कैपर्ट सुसीडेनम जन्म से प्रेजेंट होती है. तो पहली बात तो ये 6 घंटे का बच्चा है, अभी आपको दिख रहा है कि ये जन्म के बाद बना है. दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है सिपेलो हेमाटोमा और कैपर्ट सुसीडेनम में कि कैपर्ट के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है अंडर द स्कल, और सिपेलो हेमाटोमा में बोन और उसका पेरियोस्टियम उसके बीच में ब्लड का इकट्ठा होना होता है. तीसरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस होती है कैपर्ट सुसीडेनम जो होता है वो सूचर लाइन को क्रॉस कर सकता है बिकॉज देर इज नो सूचर लाइन, और सिपेलो हेमाटोमा जो होता है वो सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता. और यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट क्रॉस द सूचर लाइन, तो ये कैपर्ट तो नहीं हो सकता, ये कैपर्ट सुसीडेनम तो नहीं है, ये क्या है? सिपेलो हेमाटोमा. ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है. इसको हम क्या बोलते हैं? सिपेलो हेमाटोमा, जो बर्थ होने के बाद में बना, जो सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता, है ना, जो बर्थ होने के बाद में बना 6 घंटे पे, सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता, ये सिपेलो हेमाटोमा कहलाता. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ए. माउल्टिंग का मतलब होता है कि ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन. क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन. ओवरलैपिंग हो जाए स्कल की बोन की. स्कल की बोन ओवरलैप क्यों होती है? क्योंकि जो फिटल स्कल बोन होती है उनके बीच में पाए जाते हैं सूचर्स, और ये जो सूचर्स है ये मेम्ब्रेनियस जंक्शन है दो बोन के बीच में. और जब वो परवेजनल बच्चा डिलीवर होता है, पैसेज छोटा होता है, बच्चे का हेड का साइज बड़ा होता है, तो बोन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके एडजस्ट करके बाहर निकलने का कोशिश करती है. तो ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन माउल्टिंग ये प्रोसेस कहलाता है. 36 hours में ये रिजोल्व हो जाती है, बोन अपनी जगह पे सेट हो जाती है. सबड्यूल हेमाटोमा सबड्यूल स्पेस के अंदर होता है, और कैपर्ट सुसीडेनम बात कर ही चुके हैं. डिपेंडेंट एडिमा जो जन्म से प्रेजेंट होता है सूचर लाइन को क्रॉस कर सकता है. स्कैल्प के नीचे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन कैपर्ट कहलाता है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, बी, सी और डी, तीनों ही खोटे जवाब है. सिपेलो हेमाटोमा बिल्कुल सही जवाब है. आगे लेके चलता हूं. नेक्स्ट देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट और कतई जहर क्वेश्चन है. क्लाइंट विद हेपेटाइटिस सी, मरीज को कौन सी बीमारी है? हेपेटाइटिस सी. मोस्ट कॉमन टाइप का हेपेटाइटिस है जो कैंसर कर सकता है, हेपेटाइटिस सी उसको बोलते हैं. हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए जिम्मेदार है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में होने वाला हेपेटाइटिस है. इज अबाउट टू अंडरगो द लीवर बायोप्सी. हेपेटाइटिस सी वाले मरीज के लीवर का हम क्या कर रहे हैं? बायोप्सी करने जा रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू रिटरेट टू दिस क्लाइंट. कौन सा आप चीज एक्सपेक्ट करते हो, है ना, लीवर बायोप्सी के लिए जा रहे हैं, कौन सी चीज एक्सपेक्ट करते हो मरीज से? द क्लाइंट शुड लाई ऑन द लेफ्ट साइड आफ्टर द प्रोसीजर. प्रोसीजर के बाद में मरीज को लेफ्ट साइड में लाई करना है. प्रोसीजर के बाद में लेफ्ट साइड में नहीं हो सोना है, मरीज को राइट साइड में ही सोना है. जिस साइड बायोप्सी किया है उसी साइड में सोना है, जिससे बायोप्सी के साइड पे प्रेशर लगा रहेगा तो ब्लीडिंग होने की रिस्क जो है वो कम हो जाती है. दूसरा है द क्लाइंट विल हैव क्लीनिंग एनिमा द मॉर्निंग ऑफ द प्रोसीजर. लीवर बायोप्सी से पहले क्लीनिंग एनिमा देने का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो देने की जरूरत नहीं है. तीसरा है ब्लड कोएगुलेशन स्टडी माइट बी डन बिफोर द सर्जरी. बिल्कुल सही. सर्जरी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हेमरेज,
तो लीवर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है, तो ब्लड कोएगुलेशन स्टडी वहां पे कैरीड आउट करा लो। अगर वो नॉर्मल है तभी हम उसकी क्या कर पाएंगे, सर्जरी कर पाएंगे, तभी हम बायोप्सी कर पाएंगे। तो ब्लड कोएगुलेशन स्टडी करो, और वो नॉर्मल है तो ही बायोप्सी होगी, अगर वो नॉर्मल नहीं है तो बायोप्सी नहीं कर सकते क्योंकि हेमरेज या ब्लीडिंग की रिस्क बहुत ज्यादा है। लास्ट है, द प्रोसीजर इज नॉन इन्वेजिव एंड कॉज नो पेन। तो प्रोसीजर जो होता है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोप्सी क्या उसको इन्वेजिव होता है, नॉन इन्वेजिव नहीं होता है। कैसा होता है? इन्वेजिव। और ये पेन वाला प्रोसीजर है, नो पेन भी बात यहाँ पे खोटी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों ही खोटे जवाब है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ब्लड कोएगुलेशन स्टडी। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूँ। एक और इंपॉर्टेंट सूचना, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। क्या टाइप करेंगे? नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। 5-star रेटिंग का इस लोगो के साथ में एक ऐप दिखेगा आपको, ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और इंपॉर्टेंट रिव्यू वहां पे आप लिख दीजिए। इतना करने के बाद में ऐप के सारे फीचर्स आप लोगों के लिए खुल जाएंगे, जहां पे बहुत सारी चीजें जो है फ्री कंटेंट है और बहुत सारी चीजें पेड कंटेंट भी है। उस पेड कंटेंट के अंदर हम लेके आए हैं सबसे पहला पेड कंटेंट MPCHO टेस्ट सीरीज, जहां पे होंगे 1000+ MCQs। कितने हैं टोटल? 1000+ MCQs। और ये जो टेस्ट सीरीज है इसका परचेजिंग प्राइस ओनली 299। कितना है? ओनली 299 इसका परचेजिंग प्राइस है। और पेमेंट जो है आपको फोन पे या गूगल पे करना है 7272029029। नंबर रिपीट करता हूँ, 7272029029। इस नंबर के ऊपर गूगल पे या फोन पे कर देना आपको, और ये पेमेंट करते ही आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। इसके अलावा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो है वो क्लासरूम वीडियो MPCHO के थ्योरी वीडियो भी लेके आया, तो वो भी आप परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो। इसके अलावा ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी अगर आप करना चाहते हो, कंसेप्चुअल स्टडी विद MCQ सेशन अगर आप लेना चाहते हो, 30 के 30 दिन क्लास लेना चाहते हो, मंडे मेगा टेस्ट लेना चाहते हो, तो आज ही अप्रोच करिए लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की ओटी, न्यू पाली रोड, जोधपुर, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आप वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना बिल्कुल ना भूले। इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथी पर और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हो तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। मिलेंगे दोबारा एक नए MCQ सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल MCQ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।